तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए होने वाली है बहुत ही स्पेशल अगर आप एक फ्री फायर लवर हो, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट बताने वाला हूँ जो कि आपके माइंड को ब्लो कर देंगे। आपको अवेयर करेंगे कि ये आप इन फैक्ट को नहीं जानते थे। तो गाइज वीडियो में बने रहना आगे तक फैक्ट जानने के लिए। तो गाइज बिना किसी बकवास के वीडियो को शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 5 गाइज, अगर मैं आपसे कहूँ कि फ्री फायर को गैरेना ने नहीं कोई दूसरी कंपनी ने बनाया, तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? कुछ ऐसा ही होगा। तो गाइस फ्री फायर को गैरेना ने नहीं, 111 डॉट स्टूडियोज ने डेवलप किया है और उसे रिलीज किया है गैरेना ने एंड्रॉइड डिवाइसेस के लिए। ठीक है गाइस, मतलब डेवलप किया है 111 डॉट ने। अब ये नहीं कि चुरा लिया है गैरेना ने, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों कंपनी के बीच पूरी डील हुई थी कि गैरेना इसे रिलीज करेगा और 111 डॉट इसे बनाएगा, डेवलप किया है वैसे इसने। नंबर 4 गाइस, अगर मैं आपसे कहूँ कि फ्री फायर सबसे ज्यादा कहाँ पॉपुलर है, तो ऑब्वियसली आपका जवाब इंडिया होगा, क्योंकि आप अभी मेरी इंडियन वीडियो देख रहे हो, तो ऑब्वियसली आपका जवाब इंडिया ही होगा। लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं कि फ्री फायर इंडिया से ज्यादा ब्राजील और रशिया में पॉपुलर है। जी हाँ गाइस, इस फैक्ट को जानने के बाद आप सोचोगे कि फ्री फायर इतना खेला जाता है इंडिया में, फिर भी यहाँ सबसे ज्यादा पॉपुलर नहीं है। तो गाइस पॉपुलर है इंडिया में, लेकिन ब्राजील और रशिया जितना नहीं है। नंबर 3 गाइस, जब फ्री फायर लॉन्च हुआ था, 2017 में जब फ्री फायर लॉन्च हुआ था, तब उसके इतने एक्टिव प्लेयर्स नहीं थे, लगभग इतने डाउनलोड्स नहीं थे फ्री फायर के। लेकिन 2019 में जिस तरह से फ्री फायर ने डाउनलोडर्स की रफ्तार पकड़ी है ना भाई, सब बस सैल्यूट ही है इस गेम को। 2019 में इसके डाउनलोड जो पकड़े, और अगस्त 2020 में फ्री फायर 100 मिलियन एक्टिव प्लेयर्स वाला गेम बन गया, जो कि बहुत ही बड़ी बात होती है यार। 3 साल में इस गेम ने इतनी तरक्की कर ली, बहुत बड़ी बात है। और जो लोग कहते हैं ना कि पबजी फ्री फायर से बढ़िया है, फ्री फायर पबजी से बढ़िया है, तो गाइस हेटर्स ही रहेंगे और गेमर्स रहेंगे। हर गेमर वो होता है, मतलब रियल गेमर वो होता है जो कि हर गेम की रिस्पेक्ट करे। फैक्ट नंबर 2 गाइस, अगर आप गेमर हो तो आपने यूनिटी का नाम तो सुना ही होगा। यूनिटी एक गेम डेवलपिंग कंपनी है जिसने COC जैसे गेम्स डेवलप किए हैं। जी हाँ गाइज, और आप सोचोगे कि फ्री फायर से क्या रिलेशन है इसका, तो गाइज फ्री फायर बनाने में यूनिटी का भी बहुत ही बड़ा हाथ है। जी हाँ गाइज, फ्री फायर बनाने में यूनिटी कंपनी का बहुत बड़ा हाथ है। आप कहोगे कि यूनिटी तो ऐसी छोटे मोटे गेम बनाती है, भाई COD छोटा मोटा गेम है, फ्री फायर छोटा मोटा गेम है, COC छोटा मोटा गेम है। नहीं गाइज, फ्री फायर बना सकती है, लेकिन हमारे बस की बात नहीं है भाई साहब। नंबर 1 गाइज, कभी आपने सोचा है कि ये फ्री फायर पबजी COD ये ऐसे बैटल वाले गेम का आइडिया आया किसे, आया कहाँ से, कैसे आया? तो गाइज अगर आपको याद हो, हॉलीवुड मूवीज के शौकीन हो, तो आपको याद होगा 2017 में एक मूवी लॉन्च हुई थी, बैटल रॉयल। जी हाँ गाइज, 2017 में जो मूवी लॉन्च हुई थी ना, उसे ही देखकर ये सारे गेम्स बनाए गए हैं। बैटल रॉयल, पबजी बैटल रॉयल, फ्री फायर भी बैटल रॉयल, COD बैटल रॉयल और ओपलेस बैटल रॉयल, ऐसे चलते नहीं रहे। तो गाइज ये गेम इसी मूवी की इंस्पिरेशन है। गाइज नहीं देखी है मूवी, जाकर देखो भाई, बहुत ही ओपी मूवी है। बिल्कुल जाकर अभी देखो मूवी, अभी डाउनलोड करो या फिर गूगल पे सर्च मारो, कहीं से भी डलवाओ, जरूर देखना इस मूवी को, बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है अगर तुम फ्री फायर प्लेयर हो, पबजी प्लेयर हो, कोई से भी हो। गाइज होप सो आपको वीडियो थोड़ी बहुत पसंद आ गई हो, और नहीं आई हो तो कोई बात नहीं यार, मैं आगे से बहुत ट्राई करूंगा, अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा वीडियो में। इसमें भी बेस्ट देने का कोशिश किया है, लेकिन मेरे पहले फैक्ट की वीडियो तो इतनी अच्छी नहीं बन पाई होगी, आई नो। तो गाइज अगली वीडियो में जरूर आना, ध्यान से देखना, प्लीज सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो या फिर मत करो, आपकी मर्जी है, बस वीडियो जरूर देखना।